हाय गाइस, माय नेम इज आशुतोष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस चैनल में वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय वीडियोस। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आई एम ब्लॉगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्पेशल डे क्यों है? बिकॉज आई गॉट मैरिड इन जनवरी 2020। उसके बाद सडनली आई जस्ट केम हियर बिकॉज आई वर्क इन स्वीडन, सो आई एम स्टेइंग इन गोथेनबर्ग। माई वाइफ वॉज देयर इन ओडिशा, सो टुडे शी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड शी विल बी रीचिंग हियर इन 4:45। अभी कितने बज रहे हैं? अभी हो रहे हैं 3:11। सो देर इज़ अ बस फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट बस स्टॉप जहाँ से मुझे एयरपोर्ट के लिए बस मिलेगी। मेरी नेक्स्ट बस है 3:21 को। अभी तक मैंने उसको बताया नहीं कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग। ओके, और एक चीज़, आई एम रियली एक्साइटेड कि वो आ रही है एंड आई एम रियली श्योर कि वो भी उतनी एक्साइटेड रही जितना मैं हूँ। आई थिंक शी इज़ कॉलिंग नाउ। हेलो, कहाँ तक पहुँची? बस 2-3 घंटे में यहाँ पे होगी, है ना? Yes. So how much excited you are? बोल मत करो यार। अभी टेम्परेचर बहुत ख़राब चल रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्मी और पड़ गई है गोथेनबर्ग में। स्वीडन इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्री, बट नाउ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री। Finally, I have reached the stop जहाँ से वो एयरपोर्ट के लिए बस जाएगी। भाई साहब, अभी अभी चली गई क्या बस? मुझे पता नहीं चला, मतलब I don't know, maybe I'll see you in the airport। नहीं, एक्चुअली गई नहीं थी वो, बस आ रही है, बट यहाँ पे नाव लिख लिया तो मुझे लगा कि वो जो बस गई वही है, लेकिन बस एक्चुअली आ रही है। तो बस में मैं बैठ गया हूँ। आई थिंक इट विल टेक 25 किलोमीटर है सिटी से एयरपोर्ट, और कोई मतलब इससे लोकल बस जाती नहीं है, एक बस जाती है वो आधे रास्ते तक। सो आई हैड टू टेक दिस वन। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। बाय द टाइम शी लैंड्स आई विल बी देयर। So I have just reached the airport and flight is on time. She will be here in 15 minutes. Baggage के लिए maybe 15-20 minute लगेंगे. 5:30 तक हम लोग निकल जाएंगे. So let's see. So there she is. आपको कूली चाहिए? कूली? Finally she has reached. और हम लोग अभी निकल रहे हैं. बस बुक कर लिया है मेरा वाला, उसका वाला तो ऑलरेडी हो चुका था. शायद ये बस जाएगी तो हम लोग निकलते हैं. तो आज है 15th ऑगस्ट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो आज एक्चुअली मेरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है काफ़ी दिनों से, और आज उसका सेमीफाइनल है, तो जा रहा हूँ मैं खेलने। अभी हुए हैं सुबह के 8:30, लेकिन काफ़ी फॉग है आज यहाँ पे, समर चल रहा है अभी, बट आज पता नहीं फॉग क्यों है। तो द फर्स्ट सेमीफाइनल मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट इन 15 मिनट्स, 8:30 को, लेकिन वो डिले होगा, हमारा 10:30 था। अभी देखते हैं क्या होता है। उस दिन हम लोग एयरपोर्ट से आने के बाद फिर रेस्ट ले लिए, फिर उसके बाद 2-3 दिन कुछ किया नहीं। सो आज चलते हैं, सैटरडे है, दिखाता हूँ मैं कैसे खेलते हैं यहाँ पे क्रिकेट, क्या ग्राउंड कैसा रहता है, बिकॉज स्वीडन में क्रिकेट इतने लोग खेलते नहीं, जो लोग भी खेलते हैं वो इंडियन होते, जो भी एशियन कंट्रीज के लोग होते हैं वो खेलते हैं। तो हम लोग का भाई सारे इंडियंस ही है नॉर्मली, जो कॉर्पोरेट यहाँ पे खेलते हैं, टेनिस बॉल का मैच है। तो लेट्स गो। सो दिस इज अ मॉल, इट्स कॉल्ड नोट स्टैंड मॉल। सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। यहाँ पे कोविड का कुछ ऐसा सीन नहीं है भाई। सीन है, कोरोना का सीन बहुत खतरनाक है। मेरा कहने का ये मतलब था कि लोग नहीं मान रहे, मतलब लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन कोविड देयर इज नो लॉकडाउन एट ऑल। सो लोग बिंदास घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, बट मैं मास्क पहन रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई है नहीं तो इसलिए नहीं पहन रहा हूँ। बट आई मीन दे आर नॉट यूजिंग ए मास्क एंड सैनिटाइजर का तो पता नहीं, मास्क तो नहीं कर रहे। एंड नाउ द स्काई इज कम्प्लीटली क्लीन। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा फॉग रहेगा, बट बाय 8:45 अभी हो रहे हैं एंड इट्स कम्प्लीटली क्लीन। सो आई थिंक वी कैन प्ले आर गेम ऑन टाइम।
ऑल राइट, वी हैव रीच्ड, दिस इज द ग्राउंड, द वेदर इज प्रीटी गुड. तो हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा डिले होगा, बट आई डोंट थिंक कि डिले का कोई चांस है. तो नाइस, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, मे बी विथ टाइम ये बढ़ेगा. वी लॉस्ट द मैच बहुत बुरी तरह, नॉट बहुत बुरी तरह बट यार बहुत ख़राब लग रहा है. 19 रन से हार गए हम लोग, 19. एनी वेज इट वॉज अ गुड गेम, लेट्स गो. दोपहर के 3 हो रहे हैं और अभी मैं घर पहुंच रहा हूं. बहुत भूख लग रही है, सुबह से बस 2 पराठे खाए थे. मैच तो हार गए और क्या कर सकते हैं. चलो